प्यारे बच्चों, इन दिस क्लास वी स्टडी अनदर मेथड ऑफ लर्निंग, दिस नेम परबलन का सिद्धांत। परबलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। किसने दिया था? क्लार्क हल ने 1915 में। किस बुक में लिखा है? व्यवहार के सिद्धांत बुक में लिखा गया। इस सिद्धांत में क्या था कि जो थारनडाइक का सिद्धांत था और जो पालोव का सिद्धांत था, उन दोनों को क्या किया गया? जोड़ा गया। इस सिद्धांत के कुछ नाम है, जैसे यथार्थ का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, सहचारी का सिद्धांत, प्रणोद व न्यूनतम का सिद्धांत। प्रणोद और न्यूनतम का सिद्धांत पेपर में आ चुका है एक बार। प्रणोद और न्यूनतम का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। इस सिद्धांत में ये सिद्धांत भी व्यवहारवादी था, बिहेवियरिज्म व्यवहारवादी। क्लार्क हल भी कौन थे? व्यवहारवादी थे। इस सिद्धांत को कुछ ऐसे भी बोला, कुछ नाम ऐसे भी हैं, जैसे इसके पुनर्बलन, सबलन, परबलन का सिद्धांत, आवश्यकता हरांश का सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, निष्कर्ष का सिद्धांत। HCL का जो सिद्धांत है या जो परबलन का जो सिद्धांत है, उनका जो मुख्य बात है, चालक न्यूनतम पर आधारित है। कि हल का जो सिद्धांत है मुख्यतः चालक न्यूनतम पर आधारित है। ये बात किसने बोली थी? स्किनर ने बोली थी। किसने बोली थी बात? स्किनर ने। हल के सिद्धांत के बारे में चालक न्यूनता पर आधारित है, स्किनर ने बोली ये बात। हल ने क्या कहा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। कि जब भी आप कुछ सीखोगे, लर्निंग करोगे, तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए उस प्रक्रिया में। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते, मान लिया कि किसी भूखे पशु को हम भोजन दिया जाए तो वह अन्नक्रिया करेगा, अर्थात क्रियाशील होगा। जब भी आप किसी भूखे पशु को या जानवर को आप भोजन दोगे तो वह क्या करेगा? अन्नक्रिया करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्रियाशील हो जाएगा, और क्रियाशीलता ही बलवान बनाती है। क्या बनाती है? क्रियाशीलता के कारण ही वह क्या बनता है? बलवान बनता है। और अंत में क्या कर देता है? वो पिंजरा या जो रस्सी उसको तोड़ देता है। और यह बल, ये सीखने का आधार है। क्या सीखने का आधार? इसे क्या बोलते हैं हम? पुनर्बलन। क्या बोलते हैं? पुनर्बलन। अब जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, वो उच्चतर कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम है। कि पुनर्बलन के सिद्धांत के द्वारा क्या आपकी आवश्यकता की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। पुनर्बलन पर आधारित, जैसे प्रेरणा के लिए पुनर्बलन होता है, जो आपका किसी भी अभिप्रेरणा के लिए, कोई आपकी अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा के कितने होते हैं? नॉर्मल तीन बातें होती है अभिप्रेरणा के लिए। आवश्यकता क्या है, चालकता क्या है, और उसके लिए प्रोत्साहन क्या हुआ है। जो पुनर्बलन का है, जो सिद्धांत है, वो सब सर्वाधिक काम पुनर्बलन पर दिया गया है। किसके ऊपर दिया गया? पुनर्बलन पर। जैसे सिंपल बात है कि कोई विषय वस्तु या विधि या पाठ्य पुस्तक का निर्माण बच्चों की आवश्यकताओं को देखकर किया जाता है। कि जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा, जैसी आपकी आवश्यकता होगी, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो उसका पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु को देखकर और पाठ्य वस्तु को देखकर या बच्चों की आवश्यकता क्या है उनको देखकर हम पाठ्यक्रम को बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।